नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बार बार हम आपको यही कहते हैं कि मीडिया को जब भी जनता बुलाती है तो मीडिया वहाँ जाती है, बिन बुलाए मीडिया कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम एक पक्ष की स्टोरी करते हैं और दूसरा पक्ष जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हमें अप्रोच करते हैं, तो वहाँ हमारा दायित्व बन जाता है उनकी आवाज़ को भी प्रशासन आम जनता तक लाना। इसी तरह का एक किस्सा था जो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर हमने जो स्टोरी की थी, एक नवजात शिशु जिसकी जो डेड बॉडी मिलती है बठिंडी और बठिंडी के थाना प्रभारी, उनकी पूरी पुलिस की टीम उसे सबमिट करवाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम पे। अब बवाल क्या हुआ? बवाल ये हुआ कि वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हमारे युवा जो हैं, जिन्होंने पहले भी एक दो बार ऐसे ही बच्चों का जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो किए हैं, उन लोगों ने वहाँ पर डेड बॉडी के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि हम इनके इस बच्चे के आखिरी रिचुअल्स करेंगे, पर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको ये कहा गया कि आपको 72 घंटे के बाद आफ्टर 72 आवर्स आपके हैंड ओवर वो डेड बॉडी की जाएगी। अब वहाँ पर हम नहीं थे, पर उन लोगों का जिस तरह से कहना था कि वहाँ पर डॉक्टर अमजद बट जो है उनके द्वारा उनके साथ मिसबिहेव किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और कहीं ना कहीं वो डिले कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण ज़रूर था। उन्होंने कहा कि अब आज नहीं डेड बॉडी कल मिलेगी, जब वो लेकर जाते, ये भी कहा कि उन्होंने अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं किया। वो स्टोरी हमने अपलोड की, पर कुछ ही देर के बाद हमारी स्टोरी, दैनिक शिव टाइम की स्टोरी के बाद कुछ ही देर के बाद उस बच्चे का जो फाइनल रिचुअल से वो हो गए। चलिए, हम ये शुक्र करते हैं कि आखिर जिन माता पिता ने उसको फेंका होगा कहीं ना कहीं निर्दय होंगे, वो इंसानियत के मुंह पर एक बहुत बड़ा कलंक हो गए। तो उसी के चलते हमें डॉक्टर अमजद जी से बात की और हमारी कहना कि ड्यूटी भी थी कि उनका पक्ष जाना। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया तो हमने उनसे बात की कि उनकी भी बात आखिर रखी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर या तो एक्सीडेंट होते हैं या सुसाइड होता है या मर्डर होता है। तो जब हम मार्चरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में डेड बॉडी जाती है, उसकी एक प्रोसीजर रहता है और कितना टाइम लगता है, इसी बारे में, सारे विषयों के बारे में जानने के लिए समय हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर अमजद भट्ट, क्योंकि जाने माने डॉक्टर हो, इनसे जानना चाहेंगे जो इन पर उन युवाओं ने इल्जाम लगाए थे कितना सत्य और आखिर क्या प्रक्रिया रहती है पूरी पोस्टमार्टम की, क्योंकि लोगों का कई बार ये भी रोष रहता है कि अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो वहां पर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को काफी लंबा किया जाता है। चलिए, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमजद भट्ट। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अमजद भट्ट, आपको इस समय हमारी पूरी जनता लाइव ऑडियो में सुन रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर एक नवजात बच्चे को, जिसका अंतिम यानी कि लास्ट रिचुअल्स करने थे, कुछ युवाओं ने, सोशल एक्टिविस्ट ने आप पर इल्जाम लगाए थे कि आप जानबूझकर उनके हैंडओवर डेड बॉडी नहीं कर रहे और पोस्टमार्टम का बहाना लगाकर बात को टाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, अपना क्या वर्जन रखना चाहेंगे? मैडम, आप कौन बोल कौन रहे हैं? सर, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट दैनिक शिव टाइम्स से। सर, ओके ओके रश्मि जी, जी 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 जी, आपने तो मेरे को ओवरनाइट एक विलेन बना दिया उस सारे, आपने सिर्फ एक साइड का पक्ष रखा उस दिन जी। और मैं मतलब सच में मतलब मैं बीइंग डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम आपका आज पक्ष नहीं रखने के लिए आपको कॉल नहीं करते, आपकी बात को सामने नहीं लाते। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, मैं भी चाहता था कि मैं भी अपना पक्ष रखूं, ठीक है। बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल वी आर बाउंड बाय लॉ, हम कोई भी चीज कानून के दायरे में रह के करते हैं और मतलब उससे बाहर हम जा नहीं सकते। तो अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, दैट डजंट मीन कि वो कुछ भी कर जाए, किसी को भी टारगेट करें, किसी को भी डिफेम करें, दैट इज रॉन्ग। लॉ इज मतलब हम सबके लिए कानून एक जैसा है, और मैं तो इनफैक्ट मतलब मैं अपने एडवोकेट से बात की थी, लॉज एन FIR मैं डिफेमेशन का केस करता हूँ ऐसे इस तरह से। अगर मेरे को, आई एम रिस्पेक्टेड पर्सन नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, मेरा इंडिया में एक नाम है एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, आई एम रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से मतलब जिस तरह से ये एलेज कर रहे थे कि वो डॉक्टर भट्ट जो है बॉडी नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर भट्ट मतलब कोई अथॉरिटी थोड़ी है। देखिए रश्मि जी, मैं बॉडी मेरी कस्टडी में नहीं है, ठीक है, बॉडी इज लाइंग इन द मॉर्चरी, ठीक है। मॉर्चरी जो है एक एस्टेब्लिशमेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और हमारे ऊपर सीनियर्स बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल बैठे हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बैठे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी मेरी कस्टडी में, ना मैं बॉडी को रिटेन कर सकता हूँ, ना ही मैं उनको किसी को हैंड ओवर कर सकता हूँ, ठीक है। पर एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हमारा ड्यूटी बनती है अगर उन्होंने अपना पक्ष रखा तो आप भी अपना पक्ष रखें। आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन सर?
तो अब सुनिए, मैं आपको अब साफ साफ बताता हूँ, ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि मौसरी में ऐसे रूटीन में दो या तीन पोस्टमार्टम होते हैं, ठीक है। उस दिन काफी पीछे संडे का भी बैकलॉग था या जो भी है, उस दिन 8 पोस्टमार्टम हुए हैं और एक पोस्टमार्टम को करते करते आधा पौना घंटा एक घंटा लग जाता है, ठीक है ना। तो उस दिन अब जैसे उनमें 3 से 4 केसेस थे जो अननोन थे, तो हम क्राउड को पीछे जो पीछे अपना होता है मौसरी के आगे पीछे क्राउड होता है, उन सबको हम प्रॉपर स्क्रूटनिंग करते हैं कि कौन सा केस, मतलब उसकी ग्रेविटी को देख के कौन सा केस पहले करे, कौन सा जब इकट्ठे केस आ जाए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसमें मतलब मैं करता जा रहा था ये 3-4 जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट ये मौसरी में, दे वर जस्ट रोमिंग, ठीक है ना। तो इन्होंने एक दो बार बोला डॉक्टर भट्टे को बच्चे का है, मैंने कहा थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। तो उस एक करते करते मतलब सुबह जैसे हम 10:30-11 बजे स्टार्ट किया, तो करते करते 2:30-3 बज गए, तो ये फिर दोबारा एक आयर में से एक एडवोकेट विशाल करके थे, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो करना है। तो मैंने कहा आपके वो किधर है, आईओ किधर है, कहते हो पता नहीं आगे पीछे। मैंने कहा देखो, यू कैनॉट डायरेक्टली इंटरवीन इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आप सोशल एक्टिविस्ट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो आप इस प्रीमिसेस से बाहर, ठीक है ना। पोस्टमार्टम करना वो अथॉरिटी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस ऑफिशियल को हो सकती है, या फिर अथोराइज्ड कोई जो मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है ना, कोई तहसीलदार होगा, SDM होगा, ठीक है ना, नायब तहसीलदार होगा, कोई मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगी तो मैजिस्ट्रेट होगा, अदरवाइज 174 CRPC, दैट इज 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंडर जो होता है पुलिस इंक्वेस्ट होती है, और 176 CRPC में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो मैंने ये हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि जब पोस्टमार्टम का जो काम होता है उसमें डॉक्टर की जो डायरेक्ट जो होती है इंटरेक्शन होती है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ होती है। बाकी की जो पब्लिक है, वेदर दे आर रिलेटिव्स, वेदर दे आर अटेंडेंट्स, वेदर दे आर सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, वेदर दे आर सम पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट सपोज टू डायरेक्टली इंटरवीन इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है ना। दिस इज ए मेडिको लीगल प्रोसीजर। उनका काम जब बॉडी हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दी उससे बाहर का होता है, ठीक है जी, उसके बाद उसको जैसे भी क्रीमेट करना है, उसको उसके लास्ट राइट्स जैसे भी करना है, बरी करना है, क्रीमेट करना, वो बाद की काम रहा, ठीक है, प्रक्रिया। बट इमीडिएटली हमारा जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है वो सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स के साथ होता है, ठीक है। और उस समय जब ये कुछ शोर करने लगे और इन्होंने मतलब कुछ अनफेवरेबल रिमार्क्स कुछ पास किए, इन्होंने ऐसा किया कि आप नहीं कर रहे हो, हम आपको पैसे देते हैं या कुछ है, तो दैट वाज वेरी मच इंसल्टिंग फॉर मी। मैं इन इन चीजों पे मैं उनके अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इन्होंने ऑन कैमरा ये चीजें बोली हैं, ठीक है ना, हम आपको पैसे देते हैं, ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को एड्रेस पास कर रहे हैं, उसके काम में उसको मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं। फिर बाहर जाके डराया धमकाया उन्होंने जी, अगर वो कुर्सी पर नहीं बैठे होते हम उनको बताते कैसे बात करना है, क्या करना है। तो देखिए, मैं इतना ऊंचा नहीं हूँ, इतना मतलब मैं हल्का नहीं हूँ कि मैं इन सब चीजों को लेके उछालूं। मैं समझता हूँ ठीक है, वो भी अगर जज्बाती हुए थे उस समय या कुछ भी है, बट उसमें मेरा कोई तो डायरेक्टली कोई मतलब मैं उनके साथ मेरा बनता ही नहीं है उनके साथ ना, वर्बल स्पैट में इंडल्ज करना जी। तो मैंने बाद में वहां से वो लोग, मैंने कहा कि आप अपने पुलिस ऑफिसर से बात करो, ठीक है, आपसे मेरी कोई बात नहीं है। मैंने कहा आप कौन हो, ठीक है, ये बात सच है, मैंने पूछी उनसे, कहते हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैंने कहा सोशल एक्टिविस्ट तो क्या करना है मैंने, ठीक है, आप पुलिस से बात करो, मेरे से आपकी कोई बात नहीं है। तो वो वहां से बाहर चले गए, गेट पे शोर वोर करने लगे। इन द मीन टाइम डॉक्टर भारतभूषण ने मुझे बोला ऐसे ऐसे वो केस है, मुझे DC साहब भी फोन कर रहे हैं। तो मैंने पुलिस ऑफिसर को फोन किया, ही सेड के मैं वापस बठिंडी अपने कंसर्न पुलिस पोस्ट चला गया हूँ। मैंने कहा यू जस्ट कम बैक, तो हम भले ही लेट होगा बट इसको आज विल जस्ट मतलब फिनिश इट ऑफ, जी लास्ट रिचुअल्स कर देंगे जी। नहीं, रिचुअल्स मैंने नहीं करने हैं, मैंने कहा कि हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, आप पेपर वर्क जो भी है वो कंप्लीट करो। और देखो, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, पोस्टमार्टम से पहले हम पेपर वर्क चेक करते हैं, ठीक है ना, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो हमने चेक करना होता है, उसके बाद ही हम पोस्टमार्टम का एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में मतलब जहां तक मुझे लग रहा था कि जैसे वो एक अनआइडेंटिफाइड अबंडेंट फीटस था, ठीक है ना, जी सर, ऐसे केसेस में दे आर वेरी सेंसिटिव केसेस, कल को कोई क्लेम करने आ जाए कि हाँ भाई ये फीटस हमारा था, या कोई आपस में किसी हस्बैंड वाइफ का होगा, किसी भी कपल का कुछ भी ऐसा होगा, तो वैसे केसेस में हम
डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एक सैंपल रखते हैं और ऐसे मतलब ऐसे केसेस जो अनआइडेंटिफाइड होता है इनको बरी किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर में कोई क्लेम करे तो दोबारा से मतलब वो देखें डिग आउट दैट मतलब जो भी डेड बॉडी। तो उस केस में मुझे थोड़ा सा वही लग रहा था कि पुलिस ऑफिशियल मतलब उनके पास रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं था, तभी मैं उनको कह रहा था कि आप थोड़ा वेट करो, मैं यहाँ से थोड़ा रश कम होगा मौसरी में, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो जब तक वो पुलिस ऑफिशियल खुद नहीं वेट किया वो निकल गया। जब इन्होंने बाहर एक मतलब आपके साथ जो भी इन्होंने एक लाइव आके वहां पे एक न्यूज इन्होंने कर दी, मुझे मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बोला कि ऐसे ऐसे ये हुआ, तो मैंने पुलिस ऑफिशियल को बुलाया, वो पहुंच गया। इन द मीन टाइम वो मैंने रिकॉर्ड चेक किया रजिस्टर पे, 17th को 3:30 बजे 3:30 PM को ये डेड बॉडी मॉर्चरी पहुंची है, ठीक है। एज पर दैट 20th को 3:30 के बाद ही 72 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। और मैंने जो 4:30 के आसपास जो है पोस्टमार्टम वो कंप्लीट कर दिया, दैट फॉर्मेलिटी पोस्टमार्टम का एग्जामिनेशन का वो 4:30 बजे कर दिया, जिस समय ये बाहर मॉर्चरी पे मीडिया को मतलब एड्रेस कर रहे थे ये लड़के, ठीक है। तो उसमें मैं वही चीज कह रहा हूँ कि मेरे एंड से पोस्टमार्टम को लेके कोई उसमें डिले नहीं था, ठीक है। और जो ये अगर मॉर्निंग में आके इन्होंने मॉर्निंग में ये 10 बजे आए या जो भी किया, उसमें मेरा कोई मतलब उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। सो फार एज माई वर्क इज कंसर्न, माई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आई एम मेडिकल लीगली एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें मेरे एंड से कोई ना डिले है और ना ही। ये भी कहा गया था आप उनसे बड़ी एरोगेंसी से पेश आए थे, बड़ी मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था आपने उन पर, तो उसके बारे में क्या कहना, क्या ऐसा कुछ हुआ था सर? ये बिल्कुल मतलब थिंग्स हैव बीन मैनिपुलेटेड, थिंग्स हैव बीन कुक्ड, मतलब बाद में इन्होंने ठीक है, मैंने उसको उस समय बोला कि हाँ भाई ठीक है, आप कौन हो, आपका डायरेक्टली मॉर्चरी में रोम करना नहीं बनता है। रश्मि जी आई एम अगेन टेलिंग के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन दिस इज ए मेडिकल लीगल प्रोसीजर, ये मॉर्चरी एक बड़ा सेंसिटिव सा एक जोन होता है, इस प्रीमिसेस में कोई भी अनऑथोराइज बंदा वो अलाउड ही नहीं है अंदर। हाँ तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना। कल को कोई फोटोग्राफ्स खींच रहा है कुछ रहा है, इसीलिए हमारी रिस्पेक्टेड जो हमारी प्रिंसिपल मैम है इन्होंने मतलब इनफैक्ट मीडिया को भी अलाउ नहीं करते हैं मॉर्चरी। पर सर एक चीज और भी ना, मीडिया को ही, मीडिया के माध्यम से तो आपकी प्रिंसिपल मैम भी बात रखती है, क्योंकि कल भी तो मैडम ने मीडिया को अंदर एंटर करने दिया था, जब उनको जरूरत होती है तो बुला लेती है मीडिया को। ठीक है मैं कह रहा हूँ ना, जब वो सीनियर है हमारे, शीज आर DDO, ठीक है ना, जब उनको लगेगा वो तरीके से बुलाएंगे, बट अदरवाइज रैंडमली कोई भी अगर आ रहा है, मीडिया आ रहा है, बट ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं कहता हूँ कि इनका यहाँ पे अंदर मॉर्चरी में रोम करना वो यानी गैर कानूनी इलीगल नहीं, कोई भी वहाँ जा सकता मॉर्चरी रूम में, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं विदाउट स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। रश्मि जी एक मैं आपको एक क्वेश्चन है, मैं मेरा प्रश्न है आपसे, मुझे आप बताएं शांति से, आप मुझे इस चीज का आंसर दें। आपने यहाँ पे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का प्रोसीजर देखा आपने? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी समझ में क्या है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो नर्सिंग होम्स में क्यों नहीं होता है? जी क्यों नहीं होता, आप समझते हैं इस चीज को? जी जी सर आप बताइए, हम चाहेंगे आप बता दीजिए ना, आप इसी लाइन के हैं, कनेक्टेड हैं, तो आपका ज्यादा जनता पर इफेक्ट पड़ेगा अगर आप बता देंगे। जी जी रश्मि जी, ये मैं वही चीज मैं बताता हूँ कि जैसे लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एक मतलब जैसे हम कह रहे हैं किसी को अल्ट्रासाउंड करना है, किसी ने सीटी स्कैन या एमआरआई करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, दिस इज नॉट मतलब मेयर मतलब एग्जामिनेशन, दिस इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एक मेडिकल लीगल प्रोसीजर है, ठीक है। दिस हैज टू बी डन ओनली इन सम गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वेदर दिस इज इट्स ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वेदर इट्स सम इंस्टीट्यूट, वेदर इट्स सम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बट इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे दैट इज द रीजन के पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन सिर्फ किसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में होता है, और वहां पे मैं कहता हूँ कि ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की बड़ी सारी लीगल इम्प्लीकेशन होती है, कल को हमने कोर्ट में जाना है, और मतलब वहां पे मैं कहता हूँ कि हमारा जो हमने कहाँ पे किया एग्जामिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल पूरी डिटेल आपको सबमिट करवानी पड़ती है। यस
और उसके लिए पेपर वर्क दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि सब में हमारी जनता आपको देख रही है कई बार, क्योंकि आप इसी लाइन से जुड़े हो, इसी इसी आपकी के अंडर सर आता है, आप सारी एग्जामिन करते हो। कई बार कैसा होता है कि कोई सुसाइड केस हो जाता है या मर्डर का केस आ जाता है, तो कई बार लोगों का, परिजनों का ये कहना होता है कि जानबूझकर जो कि प्रोसीजर है पोस्टमार्टम, उसको डिले किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, अगर इस सिचुएशन में, इस केस में कितने घंटे लगते हैं और कितना टाइम लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में या पोस्टमार्टम करने में? देखिए वो अगेन मैं वही चीज में कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम के साथ साथ जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पेपर वर्क होता है, ठीक है, कई बार मतलब मैं कह रहा हूँ उसमें डिले होता है, कई बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। कई बार आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो हमारा जो एक होता है, एक लेटर होता है प्रिंसिपल मैम के नाम, वो उसमें डिले हो जाता है। कई बार क्राइम ब्रांच से एक फोटोग्राफर होता है, वो नहीं टाइम पे पहुंच पाता है। ठीक है ना। सो इन नटशेल मतलब एक इससे टीम वर्क, इसमें बहुत सारी मतलब मैं कह रहा हूँ फॉर्मेलिटीज फिल अप करनी पड़ती, बिल्कुल सी। यस यस। तो ऐसा सिर्फ एक आप एक एक डॉक्टर से, हमेशा से रश्मि जी ने एक सॉफ्ट टारगेट है कि डॉक्टर ने डिले कर दिया, डॉक्टर ने डिले कर दिया, तभी सर हम आपसे जानना चाह रहे थे। जी जी जी। तो एक देखिए मतलब मैं कह रहा हूँ आप मतलब आपका एक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर एक एक मिसकम्युनिकेशन होती है या एक एक मिस मतलब एक एक रॉन्ग मैसेज अगर सोसाइटी में जा रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। तो अगर मतलब जैसे हमें इस प्रोफेशन ने अगर इज्जत दी है, रोजी रोटी दी है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सिमिलर इज द केस विद यू। अगर आपको इस जर्नलिज्म से अगर आप अपना घर बार चला रहे हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। और आपको चाहिए कि सोसाइटी को एक सही मैसेज दें। ठीक है ना। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट भी आ गया, डॉक्टर भी आ गया, बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स हैं, तीन चार डॉक्टर आ गए, एवरीबॉडी इज देयर, बट क्राइम ब्रांच का फोटोग्राफर नहीं है। ठीक है ना। उसी कारण भी डिले हो सकता है। उसी कारण भी डिले हो सकता है। बिल्कुल। कोई एक डॉकेट है जो चीफ मेडिकल ऑफिसर अपना सॉरी अपना सीएमओ से कैजुअल मेडिकल ऑफिसर से साइन करवा के लाना होता है, कोई प्रिंसिपल ऑफिस से कोई प्रिंट आउट निकाला, कुछ भी है। तो द थिंग इज के मतलब एक इसमें सिर्फ आप किसी एक डॉक्टर को एलिज नहीं कर सकते हो कि डॉक्टर ने गलत कर दिया। और मैं उस दिन परसों की बात करूं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जैसे बार बार एलिज किया गया कि डॉक्टर भट्ट ने डिनाई किया कि वो बॉडी नहीं देंगे, आई एम टेलिंग यू बॉडी मेरी कस्टडी में ना थी, ना हो सकती है। ठीक है। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि बॉडी आप मैं नहीं दूंगा, बॉडी मेरी कस्टडी में नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा पार्ट है, जब पुलिस ऑफिशियल मेरे पास पेपर वर्क लेके आएगा, मैंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद वो पुलिस ऑफिशियल जाने और उसके बॉडी के रिलेटिव्स जो भी हैं, उसके जो लीगल जो वारिस होंगे वो जाने हैं। ठीक है ना। डॉक्टर भट्ट कोई उन्होंने अपनी उनकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी की बॉडी को वहां पे रिटेन करें या मतलब जानबूझ के नहीं दें। तो ये मैं मतलब आई वाज रियली रियली वेरी मच ऑफेंडेड जिस तरह से सोशल मीडिया पे पीपल दे वर जस्ट अक्यूजिंग मी, दे वर अलेजिंग मी, दे वर अब्यूजिंग मी, लाइक डॉक्टर भट्ट ऐसे है, इनके अगेंस्ट ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। सो द थिंग इज के आप मैं सी मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे आप लोगों ने उस दिन बोला कि हमारी एलजी साहब को भी अपील है, मेरी आज की डेट में मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के बात आप कोई भी इस तरह की न्यूज हो, ठीक है, ऐसी न्यूज से लॉ एंड ऑर्डर की मतलब सिचुएशन एक क्राइसिस बन सकता है। ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि अगर किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने का ना मुझे राइट है ना आपको है। ठीक है ना। तो इस तरह की मैं कहता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोई भी आप न्यूज इसके बाद अगर आप मैं पोस्ट करते हो, टेलीकास्ट करते हो, उसको पहले वेरीफाई होना चाहिए। एंड आई सपोज आपका जो ये चैनल है दैनिक शिख टाइम्स, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड वन, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं पेपर भी है सर इसका, ये पेपर भी डेली हिंदी न्यूज़पेपर भी है। जी। ओह नाइस नाइस, दैट इज वेरी गुड। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, जो अनऑथराइज जो भी है सोशल मीडिया पे, जो जितने भी ये चैनल्स हैं, ठीक है, जो अनऑथराइज ना, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, एलजी सर शुड हैव अ स्क्रूटनिंग ओवर दैट। ठीक है, उनको चेक करना चाहिए। जितने भी चैनल्स हैं वो ऑथराइज होने चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई फेक या कोई मतलब फॉल्स कोई मतलब स्टोरी अगर कहीं पे टेलीकास्ट की जाती है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने टाइम भी रहते हैं, हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं, तो हमारा जो रिकॉर्ड है ना, दैट विल ऑलवेज स्पीक। ठीक है, वी आर बाउंड बाय
बाय लॉ एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर वर्क। ठीक है, मैंने पोस्टमार्टम किया होगा, अगर आप 50 साल बाद भी वो रिपोर्ट उस समय निकालोगे, मैं अगर उस समय इस दुनिया में नहीं दूंगा, बट दैट रिपोर्ट विल स्पीक। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं यही चीज मुझे सच में, मैंने अपने अपने लॉयर से बात की, उन्होंने कहा कि हम एक इसके लिए करते हैं, मतलब आपने जो जो जर्नलिस्ट है उनसे भी बात करते हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट है, तो उनके मतलब विल लॉज एन FIR। ठीक है, बट ठीक है, आपने अगर कुछ अगर आपको लगता है इस तरह की करवी ना, यू जस्ट गो अहेड, आप करिए। अगर आपको लगता है लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, चाहे अगर गलत अगर किसी ने भी न्यूज़ अगर लगाई है, आप उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। हम आपको ओपन नहीं कह रहे हैं, आप कर सकते हैं, यू हैव राइट। अगर आपको लगता है वाकई गलत हुआ है तो आप कर सकते हैं, इसमें हम आपको ना मना करेंगे ना हम आपको कहेंगे, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं सर। बाकी एज ए मीडिया, एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है, कहीं भी अगर हमें जनता बुलाएगी हमारा जाना ड्यूटी बनती है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उस समय जो वीडियो हमने लाइव किया था, उस समय हमने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है भारत भूषण जी से भी वर्जन लिया था, उनका लाइव में लिया था। जी जी, अगर देखिए आपने उस समय उनसे लिया तो आप शायद उस समय मेरे से लेते तो आपके कॉन्सेप्ट उसी समय, क्योंकि सर देखिए उन्होंने बात की थी कि डॉक्टर जो भारत भूषण है वो कह रहे हैं, पर डॉक्टर अंजय जी नहीं मान रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी, जो हमारे पास नंबर अवेलेबल थे एट दैट टाइम, कई बार ऐसा भी होता हमारे पास अब डॉक्टर्स के नंबर भी नहीं होते, पर उनके पास भी अवेलेबल नहीं, तो ज़रूर हम कॉल करते। पर अगर आपने वीडियो देखा था, आपने हमें कॉन्टैक्ट किया, हमसे बात की, तो हमने आपकी बात को भी सामने रखा है। आप अब ये नहीं कह सकते कि हमने एक का पक्ष रखा, हमने आपका भी पक्ष रखा है कि जो इल्जाम आप पर लगे थे उनमें कितनी सच्चाई थी और क्या प्रोसीजर रहता है पोस्टमार्टम का, इन या तो मर्डर केस हो या कोई ये कहें कि सुसाइड केस हो, उस वो भी जानकारी हमने आपसे ली है। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाई है कि हमारा जो ड्यूटी थी हमने निभाई है सर। जी डॉक्टर, आई रिस्पेक्ट दैट। रश्मि जी, एक चीज में और कहना चाहता था, उस वीडियो में जैसे वो बार बार कह रहे थे कि हमने डीसी साहब से परमिशन ले ली, हमने तहसीलदार साहब से परमिशन ले ली, बट डॉक्टर भट्ट ने डिनाई किया कि वो नहीं करेंगे। अब मैं आपको अगेन मतलब आपके थ्रू एक मतलब मासेस को, पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए, जो परमिशन होती है वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं होती है, बिलीव मी, रिटर्न नहीं होती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। मैं अब डीसी साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, डीसी इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई तहसीलदार साहब है, एनीबॉडी मतलब जो भी हम, वी आर ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो बट ये है कि ये जो भी काम होता है, दिस इज मेडिकल लीगल वर्क, इसमें जब डीसी साहब बोलते हैं उनके इन राइटिंग एक ऑर्डर आता है हमारे प्रिंसिपल मैम के नाम, तो इस तरह से काम होता है। अगर डीसी साहब ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बोला है, दैट इज मतलब उस तरह से ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर डीसी साहब लेटर भेजते हैं, वो एक मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, ठीक है ना, उसमें प्रॉपर वो ऑथोराइज, वो प्रिंसिपल को एड्रेस करते हैं, प्रिंसिपल मैम हमें ऑथोराइज करती है कि हाँ भैया पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की फॉर्मेलिटी जो है एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे आपने। चलिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी थी। हम बार बार यही कहते हैं, जब भी कोई इस तरह की वीडियो या स्टोरी हम लेके आते हैं, हम जनता से भी अपील करते हैं कि अगर दूसरा पक्ष देख रहा है वो ज़रूर हमें अप्रोच करे, ताकि उनकी बात को भी हम अपने माध्यम से प्रशासन और जनता तक लाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब आपका, देखिए मैं एक लास्ट मेरे एक चीज कहना चाहता हूं कि बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं सिर्फ अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरे ऊपर मेरे सीनियर्स बैठे हैं, दे कैन रेक्टिफाई मी, ठीक है ना, मतलब आई हैव टू एक्सप्लेन माय पोजीशन। तो इस तरह से मैं वही कह रहा हूँ कि आप मतलब बगैर जाने, बगैर पूरी वेरीफाई किए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को एलेज कर दो, उनको आप डिफेम कर दो, वो चीज थोड़ा सा फ्यूचर में ध्यान रखिए। सर एक चीज हम आपको भी बताना चाहेंगे, जहाँ पर 50 लोग खड़े हों, अगर वहाँ पे उनकी परेशानी हो तो मीडिया पहले वेरीफाई करेगा, तब तक कुछ भी बड़ा हादसा हो जाए सर, ये हमारे एथिक्स हमें इजाजत नहीं देते। हमारा काम है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यह अगर लगता है वाकई दूसरी पार्टी को हमने आपको एलेज किया या हमारी वजह से आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट किया, यू कैन अप्रोच ऐसे, तो हम आपकी भी बात, या तो ना हमने नकारा हो, इनकार किया हो, डिनाई किया हो कि आपकी बात नहीं रखना चाहते, तो तब उस बात पे आप हमें कह सकते हैं। जब हम अपने दोनों पक्ष का रखा तो उस बात में आप कह ही नहीं सकते सर। चलिए रश्मि जी, मैं मतलब देखिए आई हैव नथिंग अगेंस्ट टू सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वी बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने अपने अपने उसमें जोन में रह के काम करना है और हमें एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक बात जरूर कहना चाहेंगे बड़े एक तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, वो भी लोग थे जिन्होंने अपने बच्चे को फेंक दिया,
वो भी तो कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ था, एक क्राइम किया था, जुर्म किया था। और साथ ही साथ अगर ऐसे लोग समाज में अगर मिलकर काम करें, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके काम करें, कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज आता है। पर हाँ, जरूर ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लीगल मेडिकल मिसकम्युनिकेशन है, वो मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। मैं शायद बिल्कुल अंडरस्टैंड तो की, बट ये है कि उस समय ऐसी सिचुएशन होती है कि वो लोग थोड़ा इमोशनल उसको, बिल्कुल सर, क्योंकि उन लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये कहा कि बच्चे की बॉडी से स्मेल आ रही थी, डिकम्पोज हो चुका था बच्चा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको जी That is again wrong. मैं वही कह रहा हूँ, डीकम्पोज नहीं हुआ था। उन्होंने इनफैक्ट बच्चा देखा भी नहीं होगा, बच्चा डीकम्पोज नहीं हुआ था, ठीक है। और उसमें एक चीज और जो कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि फिर वो इशू बन जाता है, वो बच्चे के खिलौने लेके घूम रहे थे ना रश्मि जी, ठीक है। वो दैट वॉज नॉट ए न्यू बॉर्न, ठीक है। वो खिलौने मतलब मैं कह रहा हूँ, चलो मैं उस आई वॉन्ट गेटिंग टू दैट, ठीक है। मैं चाहता हूँ, चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद भारती, हमने आपकी बात को अपनी जनता के सामने लाया, आपने अपना पक्ष रखा, हमने उन सोशल एक्टिविस्ट का भी पक्ष लिया, हमने आपका भी पक्ष लिया, और आपने जानकारियाँ भी कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमारी जनता के साथ शेयर की हैं, उनके सामने लाई है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अमजद जी। थैंक यू सो मच। ओके जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमजद भट्ट, जिन पर इल्जाम लगे थे सोशल एक्टिविस्ट द्वारा कि उन्होंने उस बच्चे की जो नवजात शिशु था, उस बच्चे की डेड बॉडी देने में, पोस्टमार्टम करने में जानबूझकर विलंब किया। पर उसी दूसरी तरफ डॉक्टर भट्ट से भी हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो इल्ज़ाम हैं सरासर गलत हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पोस्टमार्टम की पूरी प्रोसीजर रहता है। कई बार लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि डॉक्टर जानबूझकर पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, पर हमारा कर्तव्य है तथ्यों के साथ सच को सामने लाना। डॉक्टर अमजद भट्ट, शायद उनकी यानी कि समय की कमी रहती है, क्योंकि व्यस्त है डॉक्टर्स की ड्यूटी, आप जानते हैं, नहीं टाइम मिला हमारे रूबरू होने के, पर लाइव ऑडियो में हमने उनको ज़रूर लिया। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक लीगल जो कि पोस्टमार्टम लीगल प्रोसीजर रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको काम करना होता है। पर जरूरी ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हुआ हो डॉक्टर्स और उस समय जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। चलिए, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमने ये वीडियो इसलिए बताया था, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को अपना बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर की बात करें तो एक नोबल प्रोफेशन है, जनता को विश्वास है। अगर जितने भी हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोविड की बात करें, चाहे कोई भी महामारी हो, हमेशा हमारे डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया है। तो उसी के चलते जनता का एक विश्वास, तो हम यही उम्मीद करते हैं जनता अपना विश्वास बनाए रखे। और डॉक्टर अमजद भट्ट ने उन सारे इल्ज़ाम को नकारा, और साथ ही साथ कहा कहीं ना कहीं एक लीगल जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करते हुए पोस्टमार्टम किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।